उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने एक वीडियो जारी कर कहा, दिल्ली सरकार द्वारा डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में कथित घोटाले की जांच सीबीआई करेगी, इसका हम स्वागत करते हैं। वहीं सांसद ने कहा कि इसका स्वागत दिल्ली सरकार को करना चाहिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी करना चाहिए, क्योंकि जो लोग ईमानदार हैं उन लोगों को जांच से नहीं डरना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश लगातार लो फ्लोर बसों में भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगा रही है और कागज भी पेश कर रही है, पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वहीं सांसद ने कहा कि भ्रष्टाचार कहीं भी हो, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि सीबीआई जांच का मैं स्वागत करता हूं, अगर कोई खुशी से इस जांच का साथ नहीं देता तो मुझे लगता है कि वह भी भ्रष्टाचार में मिला है। मैं अपनी तरफ से डीटीसी बस घोटाले में जो लो फ्लोर बसेस के घोटाले की बात हुई है उसमें सीबीआई इंक्वायरी का मैं स्वागत करता हूं और मुझे लगता है कि इसका स्वागत दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी करना चाहिए, क्योंकि जो ईमानदार है उसको किसी जात से कोई डर नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश लगातार डीटीसी लो फ्लोर बसों में एक बड़े भ्रष्टाचार का, एक बड़ी लूट का लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, कागज भी प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया कि उसको अरविंद केजरीवाल जी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार चाहे कहीं हो, उसमें जो लोग लिप्त हैं उनकी जानकारी जनता के सामने दूध का दूध पानी की पानी कर आना चाहिए। और ऐसे समय में मैं समझता हूं कि दिल्ली में कई ऐसे सवाल उठे हैं जहां बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात आई है। सीबीआई के द्वारा ये इंक्वायरी जो दिल्ली के डीटीसी बसों में लो फ्लोर के आरोप पे शुरू हुई है, इसका मैं भी स्वागत करता हूं। मेरा आशा रहेगा कि जल्दी इसमें जांच अपने लक्ष्य तक पहुंचे और दूध का दूध पानी का पानी हो। अगर कोई इसका भी विरोध करता है तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार का साथ दे रहा है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।